एक तरफ आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार जमकर प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल के बाहर बड़ी मात्रा में आयुष्मान कार्ड कचरे के ढेर में पड़े सड़ रहे हैं। ये आयुष्मान कार्ड जिला अस्पताल के बाहर कूड़े के ढेर में क्यों फेंके गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जिला अस्पताल के बाहर कूड़े के ढेर में पड़े आयुष्मान कार्ड की ये तस्वीर डिंडोरी की है, जहाँ आयुष्मान कार्ड को पात्र लोगों तक पहुँचने से पहले ही कूड़े के ढेर में सड़ाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है, जो कि गरीब परिवार के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन इस योजना के तहत बनने वाला कार्ड कचरे के ढेर में है। कार्डों के कूड़े के ढेर में पड़े होने की जानकारी जब CMHO रमेश मरावी से ली गई तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। आयुष्मान के जो हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, उन्होंने भोपाल में भेजा है और समय समय पर इस संबंध में चर्चा करते हैं, तो उनका जो भी टेक्निकल इश्यू हो क्या हो तो उसमें बोले कार्रवाई चल रहा है। मुझे जानकारी मिली थी, मैं संबंध में सिविल सर्जन और जो संबंधित शाखा जो देखते हैं उससे मैं अभी रिपोर्ट ले रहा हूँ कि क्या मामला था। इस मसले पर भाजपा जिलाध्यक्ष अवधराज बिलैया ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई करवाने का भरोसा दिया है। अभी अभी आपके माध्यम से जानकारी आई और उसमें तत्काल मैंने CMHO से बात भी की इस बार संबंध में, तो उनका कहना ये कि कुछ अनयूज्ड कार्ड जो बन गए थे, जो रिजेक्टेड थे, उन कार्डों को हमने डिस्पोजल किया है, लेकिन फिर भी एक बार आपने जो जानकारी दी, एक बार संज्ञान में ला के उसकी जानकारी लेके और उस पर यदि कोई गलत काम हुआ है तो उस पर कार्रवाई कराने का। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।